दोस्तों, आपने देखे होंगे मेरे तीन वीडियोस देखे होंगे डायबिटीज सेल्फ केयर होम मैनेजमेंट पे। आज जो मैं चौथा वीडियो बना रहा हूँ वो है टेकिंग मेडिसिन यानी दवाई खाने के बारे में, शुगर पेशेंट कैसे दवाई खाए और उसके डिटेल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या दवाई खा रहे हैं, क्या आप टैबलेट्स पर हैं, क्या आप इंजेक्शन पर हैं, और अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं तो क्या आप छोटी साइज की टैबलेट खा रहे हैं या बड़े साइज की टैबलेट खा रहे हैं। अगर आपका टैबलेट साइज जो है वो छोटा है तो ये मेटफॉर्मिन नहीं है, और अगर बड़े साइज की टैबलेट्स खा रहे हैं ये मेटफॉर्मिन या मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन है। और जो छोटे साइज के टैबलेट्स हैं उनमें सल्फोनिलयूरियाज आता है, जैसे ग्लिपराइड, ग्लिकलाजाइड या ग्लिबलिंकमाइड, जो अब कम यूज होता है। और उसके अलावा जो छोटे साइज के टैबलेट्स आते हैं DPP-4 इनहिबिटर है, जैसे सिटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन या टेनिलिग्लिप्टिन, या उसके अलावा आजकल SGLT2 इनहिबिटर्स भी आते हैं जैसे डापाग्लिफ्लोजन है या एम्पाग्लिफ्लोजन है। इन दवाइयों के बारे में आपको क्या पॉइंट नोट करना है? आपको मेनली ये पॉइंट नोट करना है कि ये जो दवाइयां हैं ये आप खाने के बाद खाएं या खाने से पहले खाएं, ये चलेगा, बेटर रहता है। जैसे मेटफॉर्मिन जैसी दवाई जो है वो खाने के बाद खाए तो बेहतर रहता है। ये इंसुलिन नहीं है कि जो आपको डाइट से या खाने खाने से पहले करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप खाना खाने के बाद भी आराम से खा सकते हैं ये सारी दवाइयां। और इसमें से जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं जैसे डापाग्लिफ्लोजन या एम्पाग्लिफ्लोजन, ये दवाइयां प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट से पहले खाई जाती है, तकरीबन एक घंटा या आधा घंटा ब्रेकफास्ट से पहले खाई जाती है। अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आप दो टाइप के इंसुलिन पर हो सकते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यानी ह्यूमन इंसुलिन R या इंसुजन R, और ये इंजेक्शन दिए जाते हैं खाना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले। तो हो सकता है डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। और ये आप नोट कीजिए कि ये आपको 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको खाना खाना है इंजेक्शन रेगुलर इंसुलिन करने के बाद। अगर आप नहीं करें तो आपको शुगर जो है लो हो सकता है। आपने इंजेक्शन कर दिया, रेगुलर इंसुलिन कर लिया और 30 मिनट से ज्यादा हो गया और आपने खाना नहीं खाया तो आपका शुगर जो है वो लो हो सकता है, वो थोड़ा डेंजरस है। इसलिए जब आप इंजेक्शन करें तो मेक श्योर कीजिए आपको भूख है और आप खाना खाना चाहते हैं या आपका खाना जो है वो तैयार है और आपको 30 मिनट से कम टाइम लगेगा और आप खाना खाएंगे। अगर कभी ऐसा हो कि आपको बिल्कुल भूख नहीं है या उल्टी ऐसी लग रही है या मूड नहीं है खाने का या खाना तैयार नहीं है तो उस सूरत में आप इंसुलिन ना कीजिए। और अगर आप बिल्कुल डाउटफुल हैं तो पहले खाना खाइए और उसके बाद इंसुलिन कीजिए। ये एक्सेप्शन है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये इससे आप सेफ रहेंगे। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उनमें इंसुजन N आता है या ग्लार्जिन इंसुलिन आता है या डेग्लुडेग इंसुलिन आता है, ये सारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। यूजुअली ये वाले इंसुलिन नाइट के टाइम यानी सोने के टाइम लिए जाते हैं एक ही बार दिन में। दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि अगर शुगर पेशेंट का कंट्रोल में नहीं है तो उसका क्या रीजंस है, क्यों ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। उसके दो मेन रीजंस जो हैं वो ये है कि पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, और अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं वो क्यों ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि वो प्रॉपर डोज नहीं ले रहा है, जो उसका रिकमेंडेड डोज है वो नहीं ले रहा है, या डॉक्टर ने अभी इसका डोज प्रॉपर नहीं एडजस्ट किया है या बढ़ाया नहीं है, या पेशेंट खुद ही प्रॉपर डोज नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं एडेरेंस में, यानी जो डायबिटीज हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें बहुत सारे रुकावटें हैं। वो क्या क्या हैं? उसमें एक डिजीज के बारे में है पॉइंट्स, और मेडिकेशन या दवाइयों के बारे में पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे बहुत कॉमन है कि हम समझते हैं कि भी जो डायबिटीज है यार ये अब शुगर ठीक है तो मुझे तभी लेनी है दवाई जब मुझे शुगर हाई होगा तभी लूंगा मैं, अदरवाइज मैं दवाई नहीं लूंगा। या कुछ लोग सोचते हैं कि डायबिटीज से मुझे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला डायबिटीज से, ये कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा इससे, मेरे को तो काफी देर से मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, मैं पानी पी रहा हूँ, चल रहा है, पेशाब उठ के कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पेशेंट को आइडिया नहीं है, पेशेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मुझे कोई डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आगे। या सिम्टम्स मिनिमल है, जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था आपको कि शुगर हाई होता है ये टाइप 2 डायबिटीज में, और कोई सिम्टम नहीं है, यानी मुंह भी नहीं सूख रहा है, प्याज भी नहीं ज्यादा लग रही है, तो सोचता है कि मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं मेरे 250-300 है शुगर तो मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्यों दवाई खाऊं। या पेशेंट जो है वो अपने लाइफ को इजी ले रहा है, इतना केयरफुल नहीं है, इतना कंसर्न नहीं है, तो उसकी वजह से भी शुगर की दवाई नहीं ले रहा है। उसके अलावा जो मेडिकेशंस के प्रॉब्लम्स हैं, यानी सोचता है कि मेरा शुगर अब हो गया ठीक, दवाई कुछ देर खाई और शुगर कंट्रोल में आ गया, सोचता है अब मेरे को क्या शुगर की दवाई खाने की जरूरत है, अब तो मेरा शुगर ठीक है। या दूसरा पॉइंट ये है कि सोचता है कि मेरे को साइड इफेक्ट होंगे, कि मैं दवाई खाऊंगा और मेरे दवाई के साइड इफेक्ट होंगे, और सबको पूछते रहता है, गूगल सर्च करते रहता है इन दवाइयों के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन जब सस्ते तेल का शोरमा खाता है वो तो चुप करके खा जाता है, मोमोज फ्राई करके खा लेता है, रंग बिरंगी बिरयानी खाता है,
उसके साइड इफेक्ट नहीं देखता है कि उसके कलर में, उसके तेल में, उसके चर्बी में क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो तो कभी देखता नहीं है, लेकिन दवाई कोई ले तो बहुत साइड इफेक्ट ढूंढता है पेशेंट। तो ये भी एक माइंडसेट है हमारा, हम लोग जल्दी से दवाइयों के साइड इफेक्ट ढूंढने लग जाते हैं और ये नहीं समझते कि डॉक्टर अगर समझा रहा है और बोल रहा है दवाई खाने के लिए तो क्यों बोल रहा है, हमारी भलाई के लिए बोल रहा है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग समझते हैं कि इससे एडिक्शन हो जाएगी, जैसे शुगर की दवाई खा लो या प्रेशर की दवाई खा लो या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा लो तो डॉक्टर साहब मुझे एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा, मैं इसका एडिक्ट तो नहीं बन जाऊंगा। अब एडिक्शन तो अलग ही चीज है ना, वो तो नशा है। दवाई के दवाई शुगर की दवाई खाने से क्या नशा हो जाएगा आपको, क्या ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से नशा होगा, क्या चर्बी की दवाई खाने से नशा होगा, तो ऐसा तो नहीं है एडिक्शन होगा। हाँ ठीक है, आपको इसकी हैबिट बनानी है और हैबिट बन जाए वो तो अच्छी बात है कि आपने ऐसे क्रॉनिक डिजीज की हैबिट बनाई दवाई खाने की, उसी से तो आपका ब्लड प्रेशर पर ठीक रहेगा, उसी से तो आपका शुगर ठीक रहेगा, उसी से आपकी चर्बी ठीक रहेगी, तो उसी से आपको कंट्रोल रहेगा। या कुछ लोग जैसे मैंने बोला केयरलेस होते हैं, बहुत मुश्किल लगता है उनको दवाई खाना, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कौन दवाई खाएगा, कौन याद रखेगा कब दवाई खानी है। बहुत लोगों को मीडिया ने, बहुत लोगों को या आयुर्वेदिक वाले दवाइयों वाले ने, या बहुत लोगों के बाबा जो आते हैं टीवी पर और रेडियो पर और बाकी जगह सोशल मीडिया पर, इन लोगों ने भी दिमाग खराब किया हुआ है कि क्या दवाई खाओगे, क्यों कंट्रोल करोगे, क्या दवाइयां, ये अच्छी दवाइयां नहीं है, इन दवाइयों से कुछ नहीं होता, ऐसा बोल बोल के लोगों को भी पागल बना दिया है। और डायबिटीज का ये भी एक रीजन है कि डायबिटीज बहुत पुअरली कंट्रोल्ड है इंडिया में, सिर्फ 30% लोगों का डायबिटीज कंट्रोल है, 70% पेशेंट्स जो है उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, ये स्टडीज को मैं कोट कर रहा हूँ। और बहुत लोग तो डिप्रेस्ड हैं कि भाई क्या दवाई खानी है, शुगर हो गया अब मैं कर मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ को, या बहुत लोगों की सोशल लाइफ ऐसी उल्टी सीधी हो गई होती है कि वो लोग खाते नहीं है दवाई क्योंकि उनकी सोशल लाइफ इतनी खराब है या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि वो दवाई अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम आते हैं कि कौन से टाइम्स होते हैं जब पेशेंट फेस करता है प्रॉब्लम्स। जैसे नंबर वन पर है इनिशिएशन के टाइम, जब हम स्टार्ट करते हैं दवाई पहली बार, तो डॉक्टर अगर उसको पेशेंट को अच्छी तरह से समझाए कि दवाई क्या है, क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्या डोजेज का, कब खाना है ये, तो शायद पेशेंट अच्छी तरह से उसको समझे और उसको स्टार्ट करे। लेकिन अगर नहीं करे तो इनिशिएशन के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली जब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं पहली बार, तो इंसुलिन भी अगर डॉक्टर खुद उनको समझाए कि इंसुलिन कैसे करना है, क्या डोज करना है, कितने यूनिट्स करने हैं, कहाँ करना है, वो गलत जगह आमतौर पर करते हैं। मेरे वीडियो उसका भी बनाया है इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक का, कि कहाँ इंसुलिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन अमूमन देखा गया है कि बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, वो आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, इसका आप थंबनेल अभी देख रहे हैं, इसको आगे आप सर्च कीजिए मेरे चैनल में और ये देखिए वीडियो। और उस टाइम पर अगर आपने इंसुलिन प्रॉपरली समझाया तो पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से इंसुलिन करेगा। उसको अगर लो होगा शुगर तो उसके सिम्टम्स भी बताने हैं, और उसको जो टाइट्रेशन है वो डॉक्टर खुद करे तो बेहतर है, पेशेंट के ऊपर मत छोड़े कि वो इंसुलिन को टाइट्रेट करेगा, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे करना है, ये बिल्कुल गलत है, पेशेंट का काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है। चाहे उसको पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े, ये डॉक्टर का काम ही है उसको समझाना कि कैसे करना है। उसके अलावा सेकेंड टाइम ये हो जाता है जब डॉक्टर पेशेंट की दवाई जो है वो चेंज करता है, यानी एक दवाई से दूसरी दवाई को स्टार्ट करता है। जब भी दवाई चेंज करो तो पेशेंट को बहुत एक स्ट्रेस हो जाता है कि मेरी दवाई मैं ऐसे खा रहा था, कंटिन्यूअसली खा रहा था, अब मुझे अलग टाइम पर खानी है दवाई, और इसका शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका रंग अलग है, या इसका नाम अलग है, या इसका कॉस्ट अलग है, तो ये टाइम पर भी पेशेंट फेस करता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम। थर्ड टाइम फेस करता है पेशेंट प्रॉब्लम, वो होता है जब डोज हम इंक्रीज करते हैं। जब भी हम डोज इंक्रीज करते हैं तो हमको चाहिए पेशेंट को समझाना कि क्यों हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं और कितना डोज कर रहे हैं और उसका क्या रीजन है, अदरवाइज पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है ये डोज क्यों इंक्रीज किया गया। उसके अलावा कुछ डॉक्टरों को एक इनर्शिया होता है और वो समझता है कि जैसे स्टेटस क्वो है, वो जो कंडीशन है पेशेंट की वही रहे, उसका भी रीजन है, या तो वो डॉक्टर के पास एक ऑप्शन नहीं है, उसने अपने सारे दवाइयां जो लिख दी हैं और पेशेंट का शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, वो थोड़ा लेजी हो रहा है डॉक्टर, या वो सोचता है कि मैं अब मेरे पास जो है दवाइयां वो कॉस्टली दवाइयां हैं, वो मैं लिखूं तो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो एक स्टेटस को में आ जाता है, वही दवाइयों को कंटिन्यू करता है ये जानते हुए भी कि पेशेंट का शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा वो इनर्शिया में तब आ जाता है कि जब मैक्सिमम टैबलेट्स जो उसने लिख दिए हैं और हम पेशेंट को आप बोलते हैं कि आप इंसुलिन करो, और पेशेंट बोलता नहीं मैं नहीं इंसुलिन करने वाला, मुझे टिकिया ही दो, मुझे टिकिया ही बढ़ा दो, लेकिन मैं इंसुलिन नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर ने मैक्सिमम से मैक्सिमम दवाई का डोज जो है बढ़ाया है, अब तो उससे ज्यादा कोई डोज है नहीं ना, और बहुत सारी दवाइयां हैं ऑप्शंस में, 3-4 दवाइयां हैं वो सारी लिख दी हैं इसने, उसके बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो अब डॉक्टर क्या कर सकता है, उसको इंसुलिन ही लिखना है, उसको शुगर कंट्रोल करना है, लेकिन पेशेंट जो है वो थोड़ा
नहीं मानता है या रेडी नहीं है अभी इंसुलिन करने के लिए, तो कभी टाइम लगता है, दो तीन सेशंस लगते हैं डॉक्टर के पास, और हर सेशन में डॉक्टर जो है वो पेशेंट को समझाता है कि इंसुलिन कैसे किया जाए, क्यों करना है। तो आहिस्ते आहिस्ते दो तीन सेशंस के बाद, दो तीन सेटिंग्स के बाद, दो तीन अपॉइंटमेंट्स के बाद पेशेंट तैयार हो जाता है इंसुलिन करने के लिए। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो पेशेंट फेस करता है। और दोस्तों आप ये तो जानते ही हो कि इम्पॉर्टेंस क्या है मेडिकेशन की। मेडिकेशन की इम्पॉर्टेंस सिंपल ये है कि अगर आपने दवाई खाई, आपका शुगर कंट्रोल में रहा, तो आपको जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगे। जो आगे आपको कॉस्ट होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने में, वो कम होगा, वो नहीं होगा। या जो आगे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे या जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी, वो प्रिवेंट होगा। सो जो आप आज कंट्रोल कर रहे हो शुगर को, इसका जो फायदा होने वाला है वो आगे आपके लाइफ में होने वाला है, इकोनॉमिकली भी, हेल्थ वाइज भी। ये दवाइयां लेने में डॉक्टर कैसे हेल्प कर सकता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर जो है वो एक अच्छा लिसनर हो। इवन जो डायबिटीज एजुकेटर होते हैं वो भी अच्छे लिसनर होने चाहिए। पेशेंट का सुनना है, पेशेंट की बात समझनी है, और पेशेंट को अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसके सिम्टम्स जो हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है। कभी पेशेंट बोलता है कि मेरे को शुगर बहुत लो हो जाता है और मेरी बुरी हालत होती है, मुझे जल्दी खाना खाना पड़ता है या मुझे कोई जूस लेना पड़ता है, तो डॉक्टर उसको ब्रश असाइड करता है, उसके बाद सुनता नहीं है या समझता नहीं है, तो उससे उसको हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो होते रहता है। ये भी अंडरस्टैंड करना है कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, डोज को कैसे एडजस्ट किया जाए, डोज को कैसे कम किया जाए या इंसुलिन को कैसे कम किया जाए, ये बात डॉक्टर को अंडरस्टैंड करनी है, और डॉक्टर ऐसे पेशेंट को हेल्प कर सकता है। उसके अलावा डॉक्टर को कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है वो एडहेयर करे, यानी दवाइयां खाए। उसके लिए उनको समझाना है कि ये HbA1c आपको उतारना है, HbA1c आपका 7% से कम रहना चाहिए, और अगर 7% से कम रहता है HbA1c, उस सूरत में आपको जो आंखों की कॉम्प्लिकेशन है, जो किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, जो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, इसका रिस्क जो है कम हो जाएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आप HbA1c 1% कम करते हैं तो कितना फायदा होता है और कितनी कॉम्प्लिकेशन रेट कम होती है, और ये उसका आप थंबनेल देख रहे हैं जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं। और देखा गया है कि अगर आपने 10% एडेरेंस बढ़ा दी तो उससे आपका HbA1c जो है 0.14 से लेकर 0.16% जो है कम हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पर है कि उसको बताना है कि ये जो एडेरेंस की प्रॉब्लम है, यानी जो आप दवाई नहीं खा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में काफी बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज के लिए। और WHO के एक स्टडी है, रिसेंट स्टडी है, जिसमें इन्होंने देखा है कि 50% पेशेंट जो है जिनको क्रॉनिक डिजीज है वो अपने दवाइयां प्रॉपरली नहीं खाते, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में तो इवन लोअर है। यहां भी यहां देखा गया कि और भी कम है लोग जो कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते हैं, खासकर क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज की डिजीज के बारे में। इवन एक स्टडी देखा गया है जो HbA1c है वो हार्डली किसी का कंट्रोल में है, हार्डली 35% पेशेंट्स का इंडिया में HbA1c 7% से कम है। तीसरी बात, डॉक्टर जो हेल्प कर सकता है वो उसके कंसर्न्स जो है उनको स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकता है, चाहे वो दवाइयों के बारे में है, चाहे वो साइड इफेक्ट्स के बारे में है, चाहे वो इंसुलिन के टेक्निक्स के बारे में है, चाहे वो लो शुगर होने के बारे में है। इन चीजों को डॉक्टर एड्रेस करे, पेशेंट को अच्छी तरह से समझाए, तो पेशेंट झिझक के बगैर दवाइयां खाएगा। और चौथा पॉइंट ये भी है कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग एरियाज से आते हैं, अलग उनके थॉट्स हैं और कल्चर्स हैं, तो उनको भी डॉक्टर को सुनना है और एड्रेस करना है, अकॉर्डिंगली चलाना है आगे। अब हम आते हैं ये देखते हैं कि पेशेंट अपने आप को खुद कैसे हेल्प कर सकता है, यानी अगर आपको डायबिटीज है आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल अच्छा किया, दवाइयां प्रॉपरली खाई, तो आउटकम जो है वो हेल्दियर होगा, आगे आपकी लाइफ अच्छी होगी। नंबर दो पे ये कीजिए कि आप एक मेडिकेशन हिस्ट्री, मेडिकेशन लिस्ट वो अपने पास रखिए, जो लेटेस्ट आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में हमेशा एक करंट लिस्ट रखिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपना दवाइयां जो है वो ले लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन को फिल किया कीजिए, और रिमाइंडर रखिए खत्म होने से पहले ही आप अपनी दवाइयां पूरी लाओगे और उनको प्रॉपरली खाओगे। नंबर चार पर आता है कि आप अगर कोई महंगी दवाई है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां हैं जो महंगी हैं और वो आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे कोई और सोसाइटी है या कोई और ग्रुप है जो आपको ये दवाइयां प्रोवाइड कर सकता है, या कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां आपको ये दवाइयां सस्ते में मिल सकती है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी दवाइयां हैं जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और वो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, लेकिन उनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो दवाइयां तो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा, वो बात भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं।
पांचवें नंबर पर यह भी है कि जैसे मैंने बताया कुछ दवाइयां आप खाने के बाद खाएं तो कोई हर्ज नहीं है, मैक्सिमम दवाइयां आप टैबलेट जो है वो खाने के बाद भी खा सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी दवाइयां हैं उसमें स्पेसिंग की इतनी जरूरत भी नहीं है। आपने एम्प्टी स्टमक थायराइड की दवाई खा ली और 40 मिनट के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने प्रेशर की दवाई और शुगर की दवाई इकट्ठे खा ली, कोई हर्ज नहीं है, ब्रेकफास्ट के बाद खा लिया, कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली आपने शाम को आपको खानी है चर्बी की दवाई और शुगर की दवाई, दोनों मिलके खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका एडहेरेंस जो है वो बेटर होगा, आपका जो कंप्लायंस है वो बेटर होगा, आपको ये बोझ नहीं लगेगा दवाई खाना। और ये छोटा सा एक क्वेश्चनेयर है जहां कि आपको मैं चार क्वेश्चंस पूछूंगा, अभी गौर से सुनिए देखिए, और अगर आपने कभी कहीं भी इस चार क्वेश्चन में किसी को भी यस बोला, किसी भी क्वेश्चन को आपने यस बोला तो आपका एडहेरेंस जो है वो सही नहीं है, आप प्रॉपरली दवाई नहीं ले रहे हो। और अगर आपने चारों के चारों क्वेश्चन को नो बोला आंसर में तो इसका मतलब है आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, नंबर वन पर है कि आप कभी भूल जाते हो दवाई खाना, हाँ या नहीं, अगर नहीं भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन है क्या आप कभी केयरलेस होते हो कि सोचते हो पता नहीं दवाई लूं ना लूं, अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन है कि कभी अगर आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो और आपको कोई सिम्टम नहीं है, फिर सोचते हो कि क्या जरूरत है दवाई खाने की, चलो मैं आज दवाई नहीं खाता हूं, क्या ऐसा होता है, अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आप कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बिगड़ गए हो या सही दवाई नहीं सूट नहीं कर रही है तो फिर सोचते हो यार मैं बंद कर दूं दवाई, अगर ऐसा सोचते हो तो बुरी बात है, अगर आप सोचते हो नहीं मैं मुझे दवाई खानी है तो अच्छी बात है। सो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने हाँ बोला तो आपका एडहेरेंस जो है प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर दवाई नहीं खा रहे हो। सो इन सारे क्वेश्चन का आंसर नो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब आप ये समझ सकते हो कि आप प्रॉपरली दवाई खा रहे हो। लास्ट में दोस्तों मैं कुछ आपको डूज और डोंट्स बताऊंगा। जो डूज हैं यानी क्या क्या करना चाहिए, नंबर वन है कि स्ट्रिक्टली एडहेयर करो मेडिसिन को, जो भी शेड्यूल है दवाई का वो प्रॉपरली दवाइयां खाइए। नंबर टू पर है कि रिमाइंडर रखिए, कभी भूल ना जाना दवाई खाना, टाइम पर दवाई खाना। नंबर तीन है कि आपको जो दवाइयों का नाम वगैरह है ये आपको पता होना चाहिए, किस दवाई का क्या नाम है, किस दवाई का क्या डोज है, कब खानी है मुझे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है डायबिटीज ये क्रॉनिक बीमारी है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इसलिए जितना आप इसके बारे में जानकारी होगी, जितना आप अपने दवाइयों के बारे में जानोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चौथी बात ये कि अपने डॉक्टर को हमेशा जब भी आओगे विजिट पर तो अपने डॉक्टर को सारी दवाइयां दिखाया करो, कोई सप्लीमेंट, कोई मामूली दवाई, कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई उधर की दवाई जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती है जो हार्मफुल होती है और प्रॉब्लम करती है, इसलिए सारी दवाइयां विजिट पे अपने डॉक्टर को दिखाया कीजिए। अब हम आते हैं डोंट्स पर कि क्या क्या नहीं किया जाए। एक तो अपनी दवाइयां कभी भूलो नहीं, दवाई खाना मत भूलो। नंबर टू, डोज को खुद कभी चेंज मत करो, डॉक्टर के एडवाइस के बगैर दवाई का डोज, इंसुलिन का डोज कभी चेंज मत करो। नंबर थ्री, स्किप मत करो, अपने डोजेस को स्किप मत करो कि मैं चलो आज तीन बार खाता हूं मैं दो ही बार खाऊं, तीन बार इंसुलिन करता हूं दो ही बार करूं, दो बार करता हूं चलो एक ही बार करूं, ऐसा मत करो। और चौथी बात, दवाइयां कभी डॉक्टर के बोलने के बगैर बंद मत करो। दोस्तों मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि डायबिटीज जो है एक मैराथन है और इसके बारे में आप जितना जानो उतना अच्छा आपके लिए। ये चौथा वीडियो था मेरे जो सेल्फ केयर होम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इसका पांचवा हिस्सा जो है, पांचवा भाग जो है वो आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इंश्योर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज विद डॉक्टर सरोज। अपना ख्याल रखिए, जब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस टाइम, खुदा हाफिज, बाय।